जय हिंद साथियों। और आपका बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, आप तो चेहरा देख के पहचान ही गए हैं, लेकिन स्टडी मोड वाले सर जी तो जी हमारे परम मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले बात करें 84 से 15 मेरिट लिस्ट का कि कब आ रहा है, क्यों इतना विलम्ब हुआ, क्योंकि आयोग ने तो बता दिया था कि जुलाई लास्ट तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और साथ ही साथ जो कार्यकाल भी उनका खत्म होने वाला था वो भी अब 6 महीना का लगभग बढ़ गया है, 6 महीने का आप लोग भी जानते होंगे, जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। फिर भी अभी भी रिजल्ट विलंब है, क्या अगस्त फर्स्ट वीक में आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, तो विलंब का क्या क्या कारण हो सकता है। साथ ही जो हायरमैन अभ्यर्थी होंगे ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों अभी हम लोग का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में है, कब रिजल्ट आएगा, उन कापियों का क्या हुआ जो गायब हो गई थी। तो हमारे बीच है, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम था दरोगा सम्मान समारोह, और हमारे परम मित्र तिवारी बाबा शेर है, शेर बिहार के शेर, उभरता हुआ शेर। तो जितने सारे भाई देख रहे हैं आपका क्वेश्चन इनके पास चला गया है, और इनसे बेहतर और कौन बता सकता है, सुनिए। देखिए आपका सबसे पहले आपको और आपकी जो भी सिलेक्शन हुआ है सभी लोगों को बधाई है, और हम तो यहाँ पर थे ही। मेन मुद्दा पर आते हैं कि 84 से 15 पद वाला, मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सभी आपको जो प्रक्रिया है पूर्ण हो चुका है, बस पेश था रिजल्ट कब दिए जाए। आप जानते होंगे कि एक बीच में खबर भी आया था कि इस महीने तक सीएसपीसी के चेयरमैन ने ही बोला था कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। मुझे होप है कि अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो पॉइंट में डेट इसलिए नहीं बताता हूँ कि एक दिन पहले पता चल, लेकिन कुछ लड़कों का अभी भी सस्पिशन है और बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि अभी भी स्क्रूटनी हो रहा है, क्या सच्चाई? स्क्रूटनी बंद हो चुका है, ये भी कुछ लोग बना रहे हैं, मतलब तो कैसे कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं कि ये देखिए बताइए। हमारे पास लगभग 4 लाख लोग हैं, मैक्सिमम बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के होंगे। स्क्रूटनी का एक एक खबर आता है। आपके टीम में फिजिकल लड़की कर रही थी, उसका स्क्रूटनी था, मेरे पास फोन की थी कि सर हमारे लिए स्क्रूटनी के लिए आया था। अब समझिए यहाँ के जितने भी फिजिकल टीचर हैं उन लोगों से फोन आता है, वहाँ से फोन आता है कि स्क्रूटनी के लिए हमारे लड़की का हुआ है, मतलब कि आया है कॉल, क्या क्या लेकर जाना चाहिए। तो स्क्रूटनी बंद हो चुका है, अपने माध्यम से पता कर सकते हैं, या जब भी बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का रिजल्ट आएगा उसमें मेंशन रहता है कि स्क्रूटनी कब से कब किया गया है, उस समय भी आप देख सकते हैं। तो मेरा बात पर विश्वास उस समय हो जाएगा, स्क्रूटनी नहीं हो रहा है। ये चीज तो स्पष्ट हो गया है कि स्क्रूटनी नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी आप हरदम देखते होंगे, बहुत सारे चैनल देखते होंगे, माने स्क्रूटनी चल रहा है, रिकॉर्डिंग सब सुना देगा, आपको दिखा भी देगा। चैनल की बात करें, चैनल की तो बात, तो ये भी लोग बोल दिए कि सीएसबीसी के चेयरमैन रिटायर हो गया, मतलब उनका कार्यकाल खत्म, इसलिए रिजल्ट देरी हो रहा है। तो भाई अभी तो आ चुके हैं, 6 महीना कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो कहीं नहीं रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मेन पेज वही फंसा हुआ है जो कि लोहार जाति को जो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में कहा गया कि नहीं एससी में आते थे, हाँ अब उनको ईबीसी फिर से मतलब वो डाल दिया गया है। उसके चलते दरोगा में भी 6 लोगों को बाहर हुए हैं, निकाल कर देख लीजिए, हम झूठ बोल रहे हैं तो दरोगा का फाइनल लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, अब खुद समझ में आ जाएगा। तो वो सीएसपीसी इस मुद्दे को बहुत सुनील तरीका से ले रहा है, अच्छे तरीके से ले रहा है कि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छे से आपको देखिए, सीएसबीसी बीपीएससी से मैं लाभ होना चाहता हूँ, भले एक चीज में वो कि परीक्षा कड़ाई से नहीं लेता, उसके लिए भी हम लोग समय समय पर आवाज उठाते हैं, वो आपको डिपार्टमेंट पे है वहाँ भी लेटर जाकर देते हैं। तो ये बात आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि 84 से 15 पद का रिजल्ट जो है आपका फाइनल स्टेज में है, बस ऊपर से आएगा, चेयरमैन को आता है, जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि बस चेयरमैन के ही हाथ में सब चीज होता है, जी नहीं, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर जुड़ा हुआ है, पासिंग टू परेड हो रहा है, वो भी एक दूसरे से लिंक है। और जल्द ही मुझे लगता है आप लोग को होप रखना चाहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फायरमैन में तो अभी पेज सर फंसा हुआ है, उस पर हम कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि केस अभी फाइनल नहीं हुआ है, और जब तक केस फाइनल नहीं होता मैं आपको फालतू में ये बता के रखूँ कि ये दिन रिजल्ट आ रहा है तो वो दिन रिजल्ट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात की ये आपको निकल कर बाहर आया कि 194 जो हमारे गायब है, ये हम बहुत मतलब कि अच्छा मानते हैं कि एक आपको ये भी दृश्य दिखाई दिया सीएसबीसी का, एक ब्लैक वाला चेहरा दिखाई दिया कि देखो ये क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ठीक। उस पर भी हम लोग को एक साथ आना होगा, अब एक साथ आएंगे, एक साथ बुलंदी एक आवाज में बोलेंगे, तभी जाकर वहां पर बात पहुंचेगा। अब कोई सवाल सर आपका? साथियों यही सारे सवाल जो आपके थे, मैंने एक सवाल और भी आपके स्टूडेंट का होता होगा, नई भर्ती पर, नई भर्ती आएगा, कन्फर्म आएगा, इसी साल आएगा, बस मैं इतना आपको बोल दे रहा हूँ। जय हिंद।